हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप जो भी कर रहे अच्छा कर रहे होंगे और आपका भी प्रेजेंट बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैंने बताया था मैं अपना बुक्स और नोट्स के बारे में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में वो कौन कौन सा बुक्स था जिससे मुझे एक ही साल के अंदर 3 गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिला उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बताऊंगा नॉन टेक के बुक्स और नोट्स के बारे में, उसके बाद टेक्निकल के बुक्स और नोट्स के बारे में, और उसके बाद वो यूट्यूब पे कौन कौन सा चैनल था जिससे मुझे अपने प्रिपरेशन में हेल्प मिला उसके बारे में बताऊंगा, और आखिर में बताऊंगा वो कौन कौन सा टेस्ट सीरीज मैंने लिया था। तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पूरा नॉन टेक्निकल बुक का कलेक्शन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ये एक नोट्स है, ये यूट्यूब के अमन वशिष्ठ सर का नोट्स है। इसमें इंग्लिश का पूरा थियोरी है, इससे मेरा बेस स्ट्रांग हुआ इंग्लिश का। और मिडिल में जो दो बुक है उससे मैं प्रैक्टिस करता था, इसमें बहुत अच्छा अच्छा एमसीक्यू दिया हुआ रहता था, वो कॉमन भी आता था। और राइट में जो बुक है वो नॉर्मल लुइस का एक बुक है, इसे सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैं स्टोरी बुक की तरह जस्ट पढ़ता था, तो मेरे लिए ये चारों बुक इंग्लिश के लिए इरफ रहा। तो अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं ये दो बुक यूज़ करता था और लेफ्ट साइड वाला बुक मैं ज़्यादा यूज़ करता था। लेफ्ट साइड वाला बुक में रीजनिंग का हर एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, और रीजनिंग मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करता था, उससे आपका स्पीड बढ़ता है। राइट साइड वाला बुक मैं उतना भी यूज़ नहीं करता था। मैथ के लिए मैं ये दो बुक यूज़ करता था, और मेरे हिसाब से राइट साइड वाला बुक मैथ के सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है जिसको तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लगाना। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल साइंस, जीके, ये सब के लिए मैं ये बुक फॉलो करता था। लेफ्ट साइड वाला जो बुक है वो आर्यंत का एक बुक है, इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट सब कुछ है। ये उतना भी काम का नहीं है, ये जस्ट मैंने प्रिपरेशन के पहले ही लिया था। तो दूसरा जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन का एसएससी का प्रीवियस ईयर है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आया वो दिया हुआ है। तीसरा बुक ये एक एटलास है ओरियन ब्लैकशॉन का। जियोग्राफी का बहुत सारा टॉपिक मुझे इससे क्लियर हुआ। उसके बाद वो लूशियन का जनरल नॉलेज का बुक है, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है। इससे मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ा था। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए लूशियन का ये बुक बहुत अच्छा है और यही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और राइट साइड में जो बुक है वो लूशियन का जनरल साइंस का बुक है। अभी के एग्जाम में जनरल साइंस का पोर्शन बहुत ही अच्छा आता है और अच्छा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने जनरल साइंस का एक अलग ही बुक लिया था लूशियन का। इससे मैं मेरा पूरा जनरल साइंस कंप्लीट किया था। और जब मैं क्वेश्चन बैंक करने बैठता था, जो आता था राइट और जो नहीं आता था ये सर्किल कर देता था। जब मुझे जल्दी रिवीजन करना होता था तो मैं सिर्फ सर्किल वाला ही कर लेता था, तो उससे मेरा हो जाता था। तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए मैं दो पब्लिकेशन का मैगजीन लेता था, एक IUPS गाइड और दूसरा है किरण पब्लिकेशन का। तो जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था तो एक मार्कर लेके बैठता था, हाईलाइनर। उस हाईलाइनर से मैं जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता था और जो जो लगता था ये करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट करते जाता था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने अलग से एक नोट्स बनाया, उसमें मैंने क्या किया, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, इंडिसेस, एक्सरसाइजेस, ये सब नोट करता था। और एग्जाम के एक दिन पहले मैं वो नोट्स पढ़ लेता था और मुझे ये सब नोट्स उठाना नहीं पड़ता था। तो यही बुक्स और नोट्स था जिससे मुझे फर्स्ट नॉन टेक्निकल एग्जाम में सक्सेस मिला। तो इसके बाद आते हैं टेक्निकल बुक्स और नोट्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पूरा टेक्निकल बुक का कलेक्शन है। इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए मेरे पास दो बुक था, ये एक अशफाक हुसैन का और एक था मेडिजी का। मेडिजी का बुक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने एक दोस्त को दिया हुआ है। और लेफ्ट साइड वाला जो है वो एक मेरा नोट्स है, मैं जब भी पढ़ता था एक नोट्स बनाता था अपने हिसाब से। और कोई टॉपिक मुझे अगर ज़्यादा पढ़ना होता था मैं वो यूट्यूब या अनअकैडमी से पढ़ता था, और जब भी पढ़ता था ये नोट में कॉपी करता था। तो अब आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मेरे पास दो ही बुक था, एक BL थेरेजा और एक सर्किट थ्योरी के लिए था अभिजीत चक्रवर्ती का बुक। और मैं जब भी पढ़ता था वही सेम एक नोट पे कॉपी करता था। अगर कोई टॉपिक मुझे ज़्यादा पढ़ना होता था या समझ नहीं आता था
तब मैं यूट्यूब और अनअकैडमी से पढ़ता था और उसको नोट बना लेता था। देखो, नोट बनाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर जब तुम रिवीजन करोगे, तब अगर तुम नोट से भी रिवीजन कर लोगे तो भी हो जाएगा। ये सब बुक खोलना नहीं पड़ेगा तब तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं कुछ ज़्यादा बुक फॉलो नहीं किया। ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो न्यू एज पब्लिकेशन का एक बुक है, और मिडिल वाला है मेडिजी का एक नोट्स। लेफ्ट साइड वाला बुक वो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूट्यूब और अनअकैडमी से ही पढ़ा हूँ, और पर जब भी पढ़ता था वही सेम नोट्स बना लेता था। राइट साइड में आप जो दिख रहे हैं वो पहला वाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद डिजिटल, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैं अनअकैडमी से पढ़ा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में मेजरमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, इसलिए मेरा एक थ्योरी बुक से मेजरमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो थ्योरी बुक है वो मेडिजी का एक बुक है, और राइट साइड में जो है वो दो नोट्स है, मिडिल वाला वो मेरा नोट्स है। मेरे पास जो जो नोट्स का PDF अवेलेबल होगा मैं वो अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा और वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। पावर सिस्टम के लिए भी मैं दो बुक पढ़ता था। एक जो राइट साइड वाला है वो मेडिजी का एक जीरोक्स किया हुआ बुक है, और एक बुक पढ़ता था वो कोठारी सर का था, वो मैंने एक दोस्त को दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड वाला वो मेरा बनाया हुआ नोट्स है। और ये जो बुक का सेट आप लोग देख रहे हो ये मैंने यूट्यूब के एक चैनल से ख़रीदा था। लेफ्ट साइड में हर एक शॉर्ट नोट्स है वो, और लेफ्ट साइड में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स है, और राइट साइड में जो है वो एक क्वेश्चन बैंक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत सही क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का मेरे पास और भी दो तीन बुक है, एक आर के राजपूत और एक JB गुप्ता भी है, वो भी मैंने मेरे एक दोस्त को दिया हुआ है। तो क्या हुआ, मेरा जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया ना, मैंने कुछ कुछ बुक अपने दोस्त को दे दिया। और लेफ्ट साइड में जो है वो SSC JEE का प्रीवियस ईयर का कन्वेंशनल क्वेश्चन बैंक है। ये जो नोट्स दिख रहा है आप लोगों को, ये नोट्स मैंने BL थेरेजा के कुछ बुक से जेरोक्स किया था। इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ कुछ टाइम क्वेश्चन आ जाता है। तो यही सारा टेक्निकल बुक्स और नोट्स था जो मेरे प्रिपरेशन के लिए इनफ रहा, और मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा नोट बना के पढ़ना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो अब आते हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मुझे मेरे प्रिपरेशन में यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। पहले मैं बताऊँगा नॉन टेक्निकल का चैनल, मैथ के लिए गगन प्रताप सर और राकेश जदव सर का चैनल मैं फॉलो करता था। जियोग्राफी के लिए VN परसेप्शन नाम करके एक चैनल है, उसको फॉलो करता था। अगर मेरी मानो तो यूट्यूब पे अगर कोई सबसे अच्छा करेंट अफेयर्स का चैनल है वो है Study IU। और इंग्लिश के लिए मैं अमन वशिष्ठ सर का चैनल फॉलो करता था और उनका नोट्स भी यूज़ करता था। और एक बात, यूट्यूब पे उस सब चैनल से हमेशा दूर रहना जो एग्जाम के आगे कट ऑफ बताते हैं और बताते हैं कौन कौन एग्जाम में कितना कितना फॉर्म भरा गया, कितना कितना कंपटीशन है, ये सब जो बताते वो सब चैनल से हमेशा दूर रहना। और ये सब चैनल आपको मोटिवेट की जगह ज़्यादा डीमोटिवेट ही करेगा। और टेक्निकल में मैं तीन ही चैनल फॉलो करता था, एक इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून, दूसरा गेट एकेडमी और तीसरा जेनिक एडुकेशन। इन तीनों चैनल में आपको इनफ रिसोर्स मिल जाएगा। तो अब आता है टेस्ट सीरीज के लिए मैं 3-4 एप्लीकेशन यूज़ करता था और उसका सब्सक्रिप्शन भी मेरे पास था। पहला जो अच्छा टेस्ट सीरीज है वो टेक्स्ट बुक का है, उसके बाद Adda247, ग्रेड अप, ऑनलाइन तैयारी, और टेक्निकल के लिए मेडिसी। और कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई एग्जाम ऑनलाइन हो तब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है, और जब कोई एग्जाम ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका स्पीड बहुत इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट जॉब में स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उस एग्जाम को क्रैक करने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।